तो आज हम चेरनोबिल मिनी सीरीज के लास्ट एपिसोड यानी 5th एपिसोड की बात करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उन वीडियोस को जरूर देखें। वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। तो चलिए एक और बार इस कहानी को आगे बढ़ाए। पिछले एपिसोड में हमें एक झलक मिलती है कि चेरनोबिल का हादसा क्यों हुआ, पर अब हमें पता करना है कि हादसे के जो 3 आरोपी है उन्होंने ऐसा क्या किया और क्यों किया। हम 1986 में हादसे के 12 घंटे पहले डेडलॉक को देखते जो कि एक टेस्ट के सिलसिले में ब्रुकनॉ और फोमिन से मिलता है। प्रमोशन के लालच में डेडलॉक और ब्रुकनॉ एक सेफ्टी टेस्ट को जल्द से जल्द करना चाहते। ये टेस्ट 3 साल से टलता जा रहा है। टेस्ट वाले दिन प्रोसीजर के हिसाब से रिएक्टर की प्रोडक्शन हाफ करने के बाद ब्रुकनॉ को एक फोन कॉल आता है जिसके बाद उन्हें टेस्ट 10 घंटे और टालना होगा। पर तब तक क्या प्लान को लोअर पावर में चलाना सेफ होगा? डेडलॉक कहता है कि ऐसा करना सेफ होगा और वो खुद इस टेस्ट को सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है जहाँ केजीबी का चेयरमैन चारकॉफ लेगसाव से एक गाड़ी में मिलता है और उसे कहता है कि सरकार लेगसाव को देश का सबसे ऊंचा अवार्ड हीरो ऑफ सोवियत यूनियन और प्रमोशन दे रही है। हमें पता चलता है कि लेगसाव ने जिनेवा में झूठी रिपोर्ट दी है जिससे सरकार खुश है, पर लेगसाव के दिमाग में आरबीएम के रिएक्टर से और वो उनमें सुधार को सीरियसली लेने के लिए कहता है। चारकॉफ कहता है कि मुकदमे के बाद ही ये संभव होगा। घर में बैठे लेगसाव को अपने गिरते हुए बालों से आभा हो जाता है कि रेडिएशन का असर अब उस पर शुरू हो गया है। तभी वहाँ लेगसाव को मिलने उल्ला आती है और उससे फिर से कोर्ट में अपने वैज्ञानिक साथियों के सामने हादसे का सच बोलने को कहती है। लेगसाव फिर डर जाता है, फिर उल्ला उसे फायर फाइटर्स के साहस को याद दिलाती है। और अब जुलाई में हम मुकदमे को देखते जहाँ लेगसाव, शर्बिना और उल्ला विटनेस के तौर पर मौजूद है। डेडलॉक, ब्रुकनॉ और फोमिन न्यूक्लियर डिजास्टर को अंजाम देने के केस में आरोपी बनाए गए। केस के दौरान हम कोर्ट में हादसे के रात के दृश्य देखते। शर्बिना शुरू करता है और पावर प्लांट के मॉडल के मदद से बताता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करते और कैसे इस प्लांट के समय से पहले ऑपरेशनल होने की सफलता के लिए ब्रुकनॉ को उपाधि मिली, साथ ही बाकी दोनों को भी अलग अलग उपाधियां मिली। जिस रिएक्टर में विस्फोट हुआ उसे क्लियर ब्रुकनॉ ने किया था, पर यह काम पूरा नहीं हुआ था, अब भी एक टेस्ट बचा था। ये टेस्ट इस चीज को फर्क निकले था कि पावर आउटेज की हालत में क्या प्लांट के टर्बाइंस जो कि खुद ही इस स्थिति में बंद हो जाएंगे क्या उतनी देर तक चलते रहेंगे जब तक कि बैकअप जनरेटर चालू न हो जाए, जिनको शुरू होने में करीब 1 मिनट तक लगेंगे। टेस्ट करने के लिए रिएक्टर को कम पावर में रखना जरूरी था और टर्बाइंस को भी बंद करना था ताकि ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन जाए। पिछले 3 सालों में ये टेस्ट 3 बार फेल हो चुका था। उल्ला बताती है कि धमाके के रात को सही मायने में ये टेस्ट रोक दिया जाना चाहिए था और इसके 2 मुख्य कारण थे। एक कि शिफ्ट चेंज की वजह से जो इंजीनियर रात को आए उनमें टॉफनोफ और एकिमोफ को इस प्रोसेसर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें इस टेस्ट के बारे में कहा गया था। यहाँ तक टेस्ट कर रहे इंजीनियर एकिमोफ को काम करते हुए सिर्फ 4 महीने हुए थे, पर ये हादसे की वजह नहीं थी। वो तो सिर्फ डेडलॉक के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे, पर डेडलॉक जल्दबाजी दिखाता रहा जब उसे खुद ही इस प्रोसेसर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। यही इस हादसे की असल वजह थी। और अब लेगसाव आगे आकर उस रात क्या हुआ इसे आसानी से समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि टेस्ट को शुरू करने के लिए रिएक्टर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को 700 तक नीचे करना था। टेस्ट से पहले चेरनोबिल पावर प्लांट 10 घंटे से हाफ पावर में था, तो रिएक्टिविटी को कम करने वाला ज़ेनॉन ठीक से बंद नहीं हुआ और रिएक्टर में जमा होते होते वो जहरीला हो गया। जब रिएक्टर के आउटपुट को और भी कम करने की कोशिश की गई तब ज़ेनॉन और भी ज्यादा बनने लगा और इस वजह से रिएक्शन की गति और भी कम हो गई जिससे प्रोडक्शन 700 से भी नीचे जाने लगा। इस स्थिति में कुछ बुरा होना लाजमी था, जो बात डेडलॉक, ब्रुकनॉ और फोमिन को पता होनी चाहिए थी। टॉपनॉफ रिएक्टर को बंद करना चाहता था, पर डेडलॉक किसी भी तरह से इस टेस्ट को उसी रात करने में अड़ा रहा। डेडलॉक टॉपनॉफ को रिएक्टर की इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को वापस से 700 तक लाने के लिए कहता है, जो कि इतनी जल्दी लाना सेफ नहीं है। और जब एकिमोफ ने इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए कहा तो डेडलॉक ने ऐसा करने से मना कर दिया। तभी डेडलॉक कोर्ट में कहता है कि तब वो उस रूम में नहीं था जिसे आसानी से लेगसाव ने झूठ साबित कर दिया। इसी बीच हम देखते हैं कि शर्बिना की तबीयत अब खराब हो रही है। कोर्ट एक ब्रेक लेती है। हम कोर्ट के बाहर शर्बिना और लेगसाव को बातें करते हुए देखते हैं। शर्बिना को कैंसर है और वो कहता है कि उसकी सारी जिंदगी बेकार रही और वो कोई खास आदमी भी नहीं था। उसे चेरनोबिल का काम शायद इसलिए सौंप दिया गया क्योंकि सरकार को भी यही लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो सिर्फ उन लोगों के
साथ खड़ा हुआ जो लोग खास थे। इस पर लेगासाव कहता है कि उसके जैसे साइंटिस्ट और भी थे और वो सारे भी यही करते जो उसने किया, पर शर्बिना ने हर चीज में उसका साथ दिया और सब कुछ उसे दिलवाया। लेगासाव कहता है कि वो हर तरीके से सक्षम रहा और गलती से इसे ही सरकार ने शायद अपने में से जो अच्छा आदमी था उसको भेजा। कोर्ट के फिर शुरू होने पर लेगासाव और डिटेल्स देते हुए बताता है कि जब रिएक्टर में पावर बढ़ाते तो उसे 24 घंटों के लिए धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, पर क्योंकि डेडलॉक को अगले एक घंटे में करना था तो टॉपनॉफ 211 में से 205 कंट्रोल रॉड्स को रिएक्टर में से बाहर निकाल देता है। इसके बावजूद भी पावर 200 से ऊपर नहीं जाती, लेकिन फिर भी डेडलॉक उस पावर में टेस्ट करने के लिए कहता है। लेगासाव बताता है कि अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल हो भी जाता तो भी इसके रिजल्ट बेकार ही होते, पर डेडलॉक को सिर्फ ये टेस्ट कम्प्लीट बताना था। लेगासाव ये भी साफ कर देता है कि रिएक्टर के अंदर या बाहर किसी को भी इस टेस्ट के बारे में की जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, एकिमोव को जब कंप्यूटर एक प्रिंट आउट देता है कि रिएक्टर को बंद कर दिया जाए तो इसे भी डेडलॉक खारिज कर देता है। और अब रिएक्टर को अपने हद तक पहुंचा के टेस्ट को शुरू किया जाता है और पानी भी बंद कर दिया जाता है। इससे रिएक्शन की तीव्रता और बढ़ती है। कंट्रोल रॉड्स के ना होने के कारण रिएक्टर में स्टीम बनना शुरू होती है और उसे ठंडा करने के लिए वहां पर पानी भी नहीं है। इससे स्टीम और रिएक्टिविटी के बढ़ने की साइकिल शुरू हो जाती है। जब अचानक रिएक्शन तेज होती है तब ज़ेनॉन डिके होने लगता है और पावर बनने का प्रोसेस अचानक से बढ़ता है, पर अब उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है, ना पानी और ना ही कंट्रोल रॉड्स। देखते रिएक्टर जिसकी कैपेसिटी 32 मेगावोल्ट से वो अब 33,000 के ऊपर पहुंच जाता है। हर रिएक्टर में किल स्विच होता है और रशियन रिएक्टर में इसे A35 स्विच के नाम से जाना जाता है, जिसको दबाते ही सारे कंट्रोल रॉड्स एक साथ रिएक्टर में घुस जाते और रिएक्शन को बंद कर देते। पर इसके पहले कि लेगासाव कुछ बता पाता, कोर्ट एडजर्न हो जाती है और लेगासाव की टेस्टिमनी रोक देती है। पर तभी शर्बिना कहता है कि लेगासाव को अपनी बात पूरी कर दी जाए। लेगासाव आगे बढ़ता है और अब वो कंट्रोल रॉड्स में एक डिजाइन फ्लो के बारे में बताता है, जिसमें कि उसकी डीप ग्रेफाइट से बनी होती है। ग्रेफाइट रिएक्शन के गति को तेज करने का काम करता है। अंत में यही एक्सप्लोजन का कारण बनता है। जब कोर्ट उसे पूछता है कि ऐसा क्यों हुए, तब लेगासाव उस टाइम की गवर्नमेंट की और पावर प्लांट की खामियां गिनाता है और कहता है कि क्योंकि ग्रेफाइट सस्ता पड़ता है और क्योंकि बोरॉन की जगह ग्रेफाइट पहले रिएक्टर में घुसा, इसमें रिएक्शन और ज्यादा बढ़ गया और उससे बनने वाली स्टीम से वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन के रह गया। हम दर्शकों के लिए यह कंट्रोल रॉड्स के उछलने से दर्शाया जाता है। प्रेशर से लीड फटने के बाद जब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गर्म ग्रेफाइट से मिली तब यह बड़ा विस्फोट हुआ। लेगासाव बताता है कि उन लोगों को नहीं पता था कि किल स्विच ही डेटोनेटर का काम करेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने गुप्त रखी थी। एक सवाल जो बार बार पूछा गया कि आरबीएम के रिएक्टर्स कैसे फट सकते, उसका सीधा जवाब लेगासाव बताता है कि झूठ के कारण। लेगासाव के सच बोलने के कारण अब केजीबी भी उससे नाराज दिखती है और उसे एक रूम में ले आती है। वहाँ केजीबी का चेयरमैन चारकोव लेगासाव से मिलने के लिए आता है और उसे उसकी जिंदगी की बातें और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किए गए उसके कुछ काम गिनाता है और उसे बताता है कि वो उनमें से एक यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी में से एक है। पर साथ में चारकोव ये भी कहता है कि तुम बहादुर नहीं हो, तुम्हारी ये टेस्टिमनी मानी नहीं जाएंगी और ना ही प्रकाशित होगी। उसने आज तक जो कुछ भी किया वो सब बेकार था। चारकोव लेगासाव को चेर्नोबिल के बारे में कोई भी बात करने से मना कर देता है और अब वो आगे से किसी भी ऑफिशियल कैपेसिटर में काम नहीं कर पाएगा, उससे कोई भी बात नहीं करेगा और आज तक उसने जो कुछ भी किया वो सारा क्रेडिट औरों को मिलेगा। जब चारकोव से पूछता है कि क्या उसके साथ कोई और भी मिला हुआ था, तब लेगासाव उसे मना कर देता है और अब चारकोव लेगासाव को निगरानी में वहां से ले जाता है। लेगासाव ने 2 साल बाद यानी अप्रैल 26, 1988 हादसे की सालगिरह पर खुद को फांसी लगा ली। लेगासाव के बनाए हुए ऑडियो टेप्स बाद में सोवियत साइंटिफिक कम्युनिटी में सर्कुलेट किए गए। साइंटिस्ट के प्रेशर में आकर आखिरकार रिएक्टर्स की प्रॉब्लम को ठीक किया गया। उसके सुसाइड की वजह से उसकी लेगेसी को छुपाना नामुमकिन बन गया। एपिसोड के अंत में हमें बाकी कैरेक्टर्स के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जैसे शर्बिना जिसकी मौत चेर्नोबिल में जाने के 4 साल और 4 महीने बाद हुई, डेडलॉ ब्रुकनॉव फॉर्मिन इन तीनों को 10 साल के लिए जेल हुई पर डेडलॉ रेडिएशन रिलेटेड बीमारी की वजह से अपनी सजा के दौरान ही मर गया। निकोलाय फॉर्मिन को सजा के बाद रशिया में एक और पावर प्लांट में वापस से नौकरी मिल गई। फायर फाइटर्स की यूनिफॉर्म जो कि आज भी प्रिपेट के हॉस्पिटल्स में वो आज तक रेडियो एक्टिव है। लुडमिला कई स्ट्रोक्स का शिकार हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी, पर वो गलत थे।
वो आज भी अपने बेटे के साथ क्यू में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि रेलवे बिज से जो भी उस रात चेरनोबिल हादसे को देख रहे थे उनमें से कोई भी नहीं बचा और उसे द ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। वो तीन डाइवर्स जिन्होंने टैंक को ड्रेन करने का साहस किया और जिनका मरना तय था वो हॉस्पिटल में इलाज के बाद बच गए और उनमें से दो इस सीरीज के लॉन्च होने तक जिंदा है। हालांकि उनके मौत की खबरें बहुत फैली। जिन 6 लाख लोगों को एक्सक्लूजन जोन में काम करने के लिए ज्वाइन करवाया गया था उनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। आज ये एक्सक्लूजन जोन 2600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यूक्रेन और बेलारूस के बीच में। 3 लाख लोग जो अपने घरों से अलग हो गए वो आज भी अपने घर वापिस जाने के इंतजार में है। अंत में सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव का मानना था कि चेरनोबिल हादसा यूएसएसआर के खात्मे का कारण बना और ये बात कई हद तक सही भी है। चेरनोबिल के ऊपर का कन्फाइनमेंट 2017 में $2 बिलियन के लागत से कंप्लीट हुआ जो कि 100 साल के लिए। एक्सक्लूजन के कुछ सालों बाद अचानक से कैंसर रेट में बढ़ोतरी हुई और बच्चों में इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है। चेरनोबिल हादसे में करीब 4 से 93 हजार लोगों की मौत हुई और अनगिनत जानवरों की अलग। आज तक यूएसएसआर चेरनोबिल के आखिरी मौत की संख्या 31 बताता है। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। हम आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।